आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं, तो वीडियो लंबा होने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं या अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त कोई भी प्रॉब्लम है। मेरा नाम है सूरज आर्या और मैं हूँ एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वेबसाइट की बात कर लेते हैं, exams.nta.ac.in/AISSEE आप टाइप कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर भी मैंने वेबसाइट लिखी हुई है स्पेसिफिकली। आप जैसे इस वेबसाइट में क्लिक करेंगे इस तरीके का एक पूरा विंडो खुलेगा। ओके, और इस विंडो में आप लेटेस्ट न्यूज़ में देखोगे, यू विल गेट दिस ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लिंक, आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। बाकी नीचे ये पब्लिक नोटिस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे वैसे ही आप लोगों को ये रजिस्ट्रेशन का विंडो देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे इसे, आपको यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स को आपको क्लिक करना है, ठीक है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा कि अभी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर बाकी की कार्रवाई लॉग इन और एप्लीकेशन फॉर्म बाद में भरा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन, जैसे आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन होगा, और जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर भी एक बार बात कर चुका हूँ, बाकी और इन डेप्थ इन डिटेल में ज़रूर बात करूँगा, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में मैं ज़रूर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए यहाँ से भी ले आऊँगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कीजिएगा। ओके, तो जैसे आप इसको पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर आपको इसको एग्री करना पड़ेगा कि आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं भी पढ़ेंगे और इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके, जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो वैसे ही ये नया पेज खुलेगा जिसमें आपने अब बच्चे की डिटेल्स डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, उसके फादर की डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स, मेल आईडी एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड। मेल आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिक मेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी डिटेल्स आप ये सैम्पल दे सकते हो, इस तरीके से हम लोगों ने डिटेल्स डाली हुई है। और डिटेल्स डालने के बाद, एड्रेस डालने के बाद, यहाँ पर नीचे आप एड्रेस डालेंगे, ओके, और फिर उसी को अगर आपको लगता है कि वही परमानेंट एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस है तो उसको आप सेम एज करेंगे, अदरवाइज जो भी एड्रेस है वो आप डालेंगे। एंड देन यू हैव टू मेक अ पासवर्ड, ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं, एक तो इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, ओके, और बाकी स्मॉल होंगे। इसमें नंबर्स भी होने चाहिए और बाकी इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, और मिनिमम 8 लेटर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आप उस तरीके से बना सकते हो, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मेरा नाम है सूरज, तो मैंने एस कैपिटल कर दिया, यू स्मॉल कर दिया, आर ए जे, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी लगा दिया, सपोज एस्ट्रिक। तो यहाँ पर एक मेरा कैपिटल लेटर आ गया है, बाकी स्मॉल लेटर्स हैं। रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्पेशल कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट भी मैंने डाल दी, उसके अलावा मुझे नंबर्स भी चाहिए। तो मेरा नंबर, अगर मैंने 07 मेरा फेवरेट है, मैंने 07 डाल दिया। और नंबर ऑफ लेटर्स अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 लेटर्स भी मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप पासवर्ड बनाएंगे, उसको कंफर्म करेंगे, और फिर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रहता है कि कभी अगर आप पासवर्ड भूल गए तो उस सिक्योरिटी क्वेश्चन से आप अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हो। तो दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दैट व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, जो हमने यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी क्वेश्चन लिया है इस स्टूडेंट का फॉर्म भरते वक्त, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर मदर, ताकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर्स आपको आते हैं और यहाँ से आप अपने पासवर्ड को बाद में भी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे पासवर्ड सेट करने के बाद आप ये जो पिन है, ये जो कैप्चा कोड है, वो आप डालेंगे और इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपसे फिर से उसको रिव्यू करने के लिए आएगा कि आप अपने डेटास देख लीजिए, जो भी जो आपने डाली है, आप सारे डेटा को अच्छे से देखोगे। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ एडिट करना है मुझे, तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, अगर आपको लगा कि एड्रेस गलत हो गया है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको सब कुछ ठीक लगा, तो ये चेकलिस्ट है, आपको लगा कि मेरा नाम ठीक है तो चेकलिस्ट में टिक मार देना, फादर्स नेम ठीक है, मदर्स नेम ठीक है, सारी चेकलिस्ट के पॉइंट्स अगर आपको लगता है ठीक है, तो सब में टिक मारने के बाद इसको एग्री करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसको सबमिट करते ही फिर ईमेल आईडी की वेरिफिकेशन आपसे मांगता है, तो ईमेल आईडी में आपके एक ओटीपी आता है, ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप मेल आईडी डालोगे उसमें एक ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी डालोगे तो आपका
ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा, ओटीपी डालते ही ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा। ईमेल वेरिफिकेशन होते ही आपका कुछ समय बाद एक और मैसेज आएगा जहां पर एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट होगा, वो भी मेल आएगी आपको, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आप नोट डाउन कर लेना। और आप पासवर्ड बना ही चुके हो तो इस पेज में फिर से यही फर्स्ट पेज खुल जाएगा, इसमें फिर आप लॉगिन करेंगे। इसका मतलब अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आपका एक एप्लीकेशन नंबर ज़रूर जनरेट होगा, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको मेल में आएगा, वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा जो पासवर्ड आपने बनाया है और यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी पिन आई है उसको डालकर अब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद की यह स्टेप है जिसमें आप लॉगिन करेंगे, ओके। उस लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से करंट स्टेटस दिखाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म बचा और उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। और इसको जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का विंडो खुलेगा जिसमें सारी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी जो आप ऑलरेडी डाल चुके हो, तो उसको एक बार क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करने में आप कैप्चा कोड डालेंगे, वेरीफिकेशन कोड डालेंगे और इसको एग्री करके आप सेव करेंगे, ठीक है। तो ये डेटा आपका सेव हो जाएगा, डेटा सेव्ड सक्सेसफुल, इस तरीके से आपको विंडोज़ दिखती रहेंगी। आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसमें कुछ और डिटेल्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आप डाल चुके हैं, खासकर पर्सनल डिटेल्स कैंडिडेट की, ओके। साथ साथ यहाँ पर नेशनैलिटी का भी ऑप्शन आएगा जिसको आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके अलावा एड्रेस, सारी अदर डिटेल्स, कैटेगरी यहाँ पर भी आपसे पूछी जाएगी, कैटेगरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ओबीसी कैटेगरी है तो फिर उसमें सब कैटेगरी भी आपको अपनी मालूम होनी चाहिए। और लास्ट आप देखेंगे कि अगर आप कैटेगरी में आते हैं, फॉर एग्जांपल एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है, ओके। तो ये सारी डिटेल्स के साथ जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके, इसमें एनुअल फैमिली इनकम भी आएगी, ओके, और आपको सैनिक स्कूल के बारे में कुछ फीडबैक्स भी सैनिक स्कूल आपसे पूछता है, कैसे पता चला, कोई आपका सिबलिंग सैनिक स्कूल में पढ़ता है, ये सिंपल डिटेल्स पूछी जाएंगी। डिटेल्स भरने के बाद, वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद, इस डेटा को भी एग्री करके आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट पेज में आएंगे तो अब आपसे आधार नंबर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, डू यू हैव अ आधार नंबर, आप करेंगे येस, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपसे एक कन्फर्मेशन ली जाएगी कि आप वॉलंटरी अपना, या आप एग्री हैं कि आप अपनी आधार की डिटेल्स यहाँ पर सैनिक स्कूल के साथ शेयर कर रहे हैं। जैसे इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओके, स्क्रॉल डाउन करने के बाद एग्री करेंगे, और एग्री करने के बाद आप इसे सेव करके अगले स्टेप में जाएंगे। और अगले स्टेप में अब आपसे पूछा जाएगा कि आप किस क्लास में एडमिशन चाहते हैं, ओके, तो यहाँ से आप क्लास देखेंगे और कौन सा मीडियम ऑफ एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। ये स्पेसिफिकली हमने क्लास 9th के स्टूडेंट का भरा है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्लास 9th एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज़ गोइंग टू बी इंग्लिश, ठीक है, कि वहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है 9th के लिए। उसके बाद यहाँ पर स्टेट्स और एग्ज़ाम सेंटर्स की चॉइस है, बहुत ईजी है, आप अपने स्टेट्स में आपको चार चार चॉइसेस मिल जाएंगी। इस केस में हमने महाराष्ट्र लिया था स्टेट, और महाराष्ट्र से जो भी आसपास सिटी थी, ठीक है, जैसे स्टूडेंट पुणे से बिलोंग करता है तो पुणे के आसपास जो सिटीज़ थी उसको सेंटर बनाया गया है। सबसे पहला सेंटर पुणे रखा गया, फिर उसके आसपास मुंबई, अहमदनगर, सोलापुर, इस तरीके के सेंटर्स को दिया गया है, ओके। तो इट्स वेरी ईजी, ये आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ओके। उसके बाद आपसे फिर से ये सारी चीज़ें आपसे कन्फर्मेशन के लिए दोबारा आपको दिखाएगा कि आपने ये एरियाज़ या ये आपने सेंटर्स को सिलेक्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगेन सारे डेटा डालने के बाद पेरेंट्स के भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछा जाता है, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा जाता है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद, इसको फिर से आप सेव करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद फिर से ये एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, जिसमें क्वालिफिकेशन की डिटेल्स हैं बच्चे की, स्टूडेंट की, कि 9th का भर रहे हैं तो क्लास 8th की क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। अभी बच्चा 8th में अपेयरिंग है तो यहाँ पर अपेयरिंग आ गया, ओके। कौन सा ईयर है अपेयरिंग का, 2024, ठीक है, और ईयर ऑफ पासिंग इज गोइंग टू बी 2024। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, क्लास की बात कर रहा है, क्लास 8th, और कौन सा बोर्ड है, यहाँ पर आप बोर्ड मेंशन करोगे, दैट इज़ द CBSE बोर्ड, ओके। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ एडिशनल डिटेल्स आपसे पूछेगा, जैसे कि आपने पहले सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि इस बार क्लास 9th के लिए फर्स्ट एंट्री है, तो जो बेसिकली ये जो स्टूडेंट थी उसने नहीं दिया था, तो अभी हमने नो करा, अगर दिया है तो फिर आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। आर यू द सन और डॉटर ऑफ एनी परमानेंट स्टाफ इन सैनिक स्कूल, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। देन अगेन यू हैव टू एंटर द सिक्योरिटी पिन और इसको एग्री करके आप नेक्स्ट करोगे। अगला आएगा आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेरेंट्स को यहीं पर हो रही है, इसी पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखिए, सब चीज़ें दी हैं आपको, फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर है,
थंब इम्प्रेशन है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, क्योंकि ये ओबीसी कैटेगरी की कैंडिडेट थी, इसलिए यहाँ पर इनसे कैंडिडेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा। अदरवाइज़ अगर जनरल कैटेगरी की होती तो नहीं मांगते। ओके, तो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी वो ज़रूर अपलोड करेंगे। डोमिसाइल, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपसे मांगता है। तो मैं एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ कि आप फोटो पहले अपलोड करेंगे। फोटो का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 to 200 KB के बीच में होना चाहिए, और फॉर्मेट देख लो, JPEG या JPG फॉर्मेट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सारे फॉर्मेट्स, शुरुआती जो तीन आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या फाइल्स हैं, वो JPG फॉर्मेट में होंगी। सिग्नेचर शुड बी इन JPG फॉर्मेट, 4 to 30 KB। थंब इम्प्रेशन भी आपका JPG फॉर्मेट में होगा, 4 to 30 KB। उसके अलावा नीचे के जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ये तीनों ही आपके PDF फॉर्मेट में होने वाली हैं, और इनका साइज़ भी स्पेसिफिकली मैंशन है, 50 to 300 KB। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप किसी भी इमेज को PDF बना सकते हैं, और इमेज को PDF बनाने के बाद आप इसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, देर आर वेरियस ऑनलाइन एप्लीकेशंस, आप अगर ऑनलाइन गूगल में सर्च करेंगे कंप्रेस PDF या JPG टू PDF, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आपने अपलोड करा, यहाँ पर अगर प्रॉपरली अपलोड होंगे तो ऐसे दिखाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, फोटो अपलोड हुई तो फोटो दिखा दी, सिग्नेचर अपलोड हुआ तो वो दिखा दिया, हम इंप्रेशन अपलोड हुआ तो वो दिखा दिया। ठीक है, और PDF फाइल्स अपलोड होंगी तो उसके बारे में यहाँ पर व्यू करने का ऑप्शन आपको आ जाएगा। अगर कुछ भी साइज़ में ऊपर नीचे चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में या कोई भी फाइल्स अपलोड करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी हम आपको असिस्ट करेंगे। नीचे दिए गए नंबर्स पर आप ज़रूर हमसे संपर्क कीजिएगा, इवन आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फिर से आपसे एक कन्फर्मेशन पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रेशन तो आपको हो चुका है, बात एप्लीकेशन फॉर्म की हो रही है। नीचे आओगे, आपको फिर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करना पड़ेगा, और फाइनल सबमिशन से पहले अगर आपको चेंजेस करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं, और आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन भी यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके, मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कैसे होता है? अगेन, आपके मोबाइल पे OTP आएगा, उस OTP को आप डालोगे तो आपका मोबाइल वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, वो स्टेप मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन मोबाइल वेरिफिकेशन इससे पहले होता है। ओके, बहुत ईजी है। मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP आएगा, OTP डालोगे तो मोबाइल वेरीफाइड हो जाएगा, जैसे आपकी मेल आईडी वेरीफाइड हुई। ठीक, जैसे ही मोबाइल नंबर वेरीफाइड होगा, ये फाइनल डिटेल्स आपको देगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने सारे सेंटर्स डाल दिए, पुणे, मुंबई, अहमदनगर एंड सोलापुर। ठीक है, इस तरीके से डाल के आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, एंड देन फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले फिर से चेकलिस्ट आपसे पूछेगा, क्योंकि ये फाइनल सबमिशन है, आप देखना कि आपका नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, फादर्स नेम सही है, मदर्स नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल, ईमेल आईडी, सेंटर, सिटी, क्लास। ओके, अगर आपको लगता है सारी डिटेल्स आपने सही डाली हुई हैं तो सब में टिक कर दीजिएगा, एग्री कर दे देना और फाइनल सबमिट कर देना इसे। ठीक है, फाइनल सबमिट करते ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट के ऑप्शन में जैसे आप आगे बढ़ोगे, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको UPI भी वन ऑफ द ऑप्शन देखने को मिलेगा। UPI सबसे सिंपल है, और उसमें QR कोड जनरेट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप QR कोड जनरेट करना, और यहाँ पर आपको अमाउंट होगा। ठीक है, उस अमाउंट को आपने पे करना है। ठीक है, तो आप QR कोड को कैसे स्कैन करते हैं, गूगल पे से वो आपको आता है। ठीक है, उसको स्कैन करके आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट होते ही आपके पास इस तरीके का एक मैसेज आएगा, दैट योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल, और कुछ देर बाद ऐसे ये विंडो आ जाएगी। ठीक है, कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आप नीचे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पर साफ आएगा, क्लिक हियर टू रिटर्न टू सैनिक स्कूल 2024 साइट। तो दोबारा साइट में जाने के लिए, क्योंकि ये पेमेंट गेटवे है, दोबारा साइट में जाने के लिए आप नीचे क्लिक करेंगे, और नीचे क्लिक करते ही इस तरीके से जब आपकी वेबसाइट खुलेगी सैनिक स्कूल की, तो वहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और पेमेंट सक्सेसफुल लिखने के बाद आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। नाउ यू कैन अगेन लॉगिन, आप दोबारा इसको लॉगिन करें, और यहाँ से आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज़। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड नोट डाउन कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा, जिसको आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब पूरा पेमेंट हो चुका है, एवरीथिंग वी हैव डन। ठीक है, सो बहुत ही डिटेल्ड वे में मैंने आपको एक एक स्टेप मैंने आपको दिखाया, और आपने देखा इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको कोई भी डाउट अगर आएगा अभी भी इस फॉर्म को भरने से रिलेटेड, प्लीज़ फ्री टू कॉल अस। ओके, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, और आप फ्रीली हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके,
मुझे लगता है कि आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के नाम से आपको देखने को मिलेगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून एंड जय हिंद।